So hey guys, welcome to the Graphics Mentor. This is Jitend and you're watching a very special video. So basically, आज का video इसमें हम बात करेंगे कि एक UI designer के लिए क्या opportunity है इंडिया में और guys क्या salary package है. Because कभी भी कोई एक student है वो अपना future plan करता है उसकी salary को लेकर कि कितना उसे growth मिल सकता है और क्या क्या opportunities हैं इस industry में. तो basically UI designing. UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस डिजाइन. अगर आप किसी मोबाइल फोन को यूज करते हैं, अगर आप किसी वेबसाइट्स को यूज करते हैं, तो ये टर्म आपने अक्सर सुना होगा, UI डिजाइन. ठीक है, अब UI डिजाइनिंग के फील्ड में सबसे पहले तो बात करते हैं कि अप टू 3 years के, यानी अगर आपने 3 साल तक अगर काम करा तो आपकी जो सैलरी पैकेज जो होगी वो अप टू 5 lakh rupees पर एनम की होती है. ओके, एंड कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे आपके सैलरी को लेकर के, इसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा. अगर आपका नॉलेज अप टू 8 years और 10 years का है तो आपकी सैलरी 10 lakh+ पर एनम की होती है. अब क्या हर किसी की सैलरी एक जैसी होती है? बिल्कुल भी नहीं. कुछ चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी. बट बिफोर दैट मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग टॉप 10 स्किल्सफुल जॉब में से UI डिजाइनिंग भी इंक्लूडेड है. दैट मींस कि आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज्यादा स्कोप है. इंडिया में बहुत सारी IT कंपनीज हैं और उन IT कंपनीज को अच्छे प्रोफेशनल UI डिजाइनर की जरूरत पड़ती है जो उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से टैकल कर सके, अच्छे से हैंडल कर सके. ओके, सो गाइस सैलरी की बात आती है, यानी सोर्स ऑफ इनकम आप बहुत तरीके से जनरेट कर सकते हो. एक कंपनी में जब आप जाते हो 9 to 6 पे, ठीक है, अपना टाइम एफर्ट लगाते हो तो वहां उसके एवज में आपको सैलरी मिलती है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपना इनकम अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैलरी को डिसाइड करते हैं. तो 5 फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहला जो चीज है वो है आपकी सिटी. दैट मींस कि अगर आप मेट्रो में जॉब करते हो, दिल्ली, मुंबई, पुणे में जॉब करते हो, किसी अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी कई सारी कंपनीज है, ठीक है, वहां पे अगर आप एक UI डिजाइनर होते हो तो आपकी सैलरी ज्यादा होती है. लेकिन अगर आप बड़े टाउन में भी किसी छोटे स्टार्टअप कंपनी में अगर आपने अपना करियर शुरू किया है या फिर आप किसी दूसरे किसी पर्सन के साथ जो है वो उसकी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का जो लेवल है वो थोड़ा कम है, तो वहां पर आपकी सैलरी डेफिनेटली कम होगी. दैट मीन्स कि एक बड़े शहर में और एक बड़ी कंपनी में आपकी सैलरी ज्यादा होती है, एक बड़े शहर में छोटी कंपनी में आपकी सैलरी कम होती है, स्टार्टअप पे कम होती है. एंड गाइस एक छोटे टाउन में सेम वर्क के सेम प्रोफेशनल की जो वैल्यू होती है सैलरी की वो कम होती है. फाइन, तो मुझे लगता है आपको एक आइडिया आ गया होगा. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज योर बैकग्राउंड. मींस कि आपका बैकग्राउंड क्या है. अब बैकग्राउंड होने का मतलब यहां पे ये है कि आप किस फील्ड से आए हो. कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उसका फील्ड कॉमर्स का था या फिर साइंस का था, वो नॉन टेक्निकल फील्ड से आए हैं और वो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के उन्होंने UI डिजाइनिंग का कुछ मंथ का कोर्स करा और वो UI डिजाइनर जो है वो काम करना, एज ए UI डिजाइनर काम करना शुरू कर दिया, तो उनकी सैलरी. और एक है कि किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने स्पेसिफिक डिग्री ली है जिसमें आपका आर्ट्स एंड कल्चर या फिर आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है, जो फाइन आर्ट वगैरह, और वहां पे आप जाकर के फिर UI डिजाइनिंग पे काम कर रहे हो, तो उसकी सैलरी अलग होगी. अगर आप पहले ग्राफिक्स डिजाइनर थे और अब जाकर के आप UI डिजाइनर बने हो, अपग्रेड कर रहे हो खुद को, तो वहां पे आपकी सैलरी अलग होगी. तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है. दैट मींस कि आपका जो बैकग्राउंड है वो डिसाइड करेगा कि आप जब कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए तो आपकी सैलरी में कितना निगोशिएशन होगा, एंड बाकी सारी चीजें भी वहां पे डिपेंड करेंगे. नाउ द थर्ड पॉइंट इज योर टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये है कि जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप डिजाइन करने वाले हो, जिस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप वर्क करने वाले हो, उस पर कितना एक्सपर्टीज है आपको, ठीक है, कितना आपने उस पर एक्सप्लोर करा, कितना आपको टूल्स का नॉलेज है. इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं लाइक द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, है ना, कलर का अच्छे से, टाइपोग्राफी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको उस फील्ड का एक अच्छा खासा नॉलेज है. तो जब इंटरव्यू होगा तो वहां पे ये सारी चीजें जब आपकी निकल के आएंगी बाहर में कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से आती हैं, तो डेफिनेटली वो जो चीजें हैं वो वैल्यू ऐड करेगी आपके डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव में और वहां पे आपका जो है वो सैलरी भी डिसाइड किया जाएगा. The fourth important point is your portfolio. As a designer, your portfolio is your face. तो किस तरीके से आप अपने portfolio को दिखाते हो, represent करते हो, ये बहुत ज़्यादा decide करेगा आपके salary को लेकर के. कई बार कुछ अच्छे designer भी अपने portfolio को अच्छे से ready नहीं करते, उतना effort नहीं लगाते, जिस वजह से अच्छी company की opportunities उनके पास से चली जाती है. So, मैं हमेशा अपने student को recommend करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा job मिले, तो definitely आपको एक अच्छा portfolio बनाना पड़ेगा. बिकॉज कंपनी उसी को देख करके जज करेगी कि इस कैंडिडेट में कितना स्ट्रेंथ है, इसको क्या क्या चीज आता है, इसका वर्क का लेवल कितना है, ये सारी चीजें
कंप्लीट आपका जो प्रोफाइल है यानी आपका जो पोर्टफोलियो है वो ही जो है वो दिखाएगा। और पांचवा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सभी के अलावा, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कहीं पे भी जॉब के लिए चले जाओ, नॉट ओनली फॉर जॉब, इसके अलावा अगर आप बिजनेस भी करते हो, बहुत सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या क्या और भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं तो फिर वहां पे आप ना तो अच्छा अटेंशन पा सकते हैं ना ही अच्छी सैलरी पा सकते हैं। बिकॉज आप कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू से अपने इंटरव्यू में अपने जो आपका इंटरव्यू है उसको अच्छे से आप अपने चीजों को दिखा सकते हैं, उनके बातों को समझ सकते हैं, अपने बात को उन तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जब आप फील्ड में जाते हैं तो क्लाइंट के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाते हैं, डील मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपसे कन्विंस होगा तभी जाकर के वो कंपनी को डील असाइन करेगा, जिससे कंपनी का फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा डेफिनेटली। ओके, एंड अपने चीजों को प्रेजेंटेशन के थ्रू से आप तभी अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हो अच्छे से, जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, जिसके लिए अल्टीमेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। सो गाइस, आप अगर किसी भी फील्ड में हो और अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ यूआई डिजाइनर, अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 80% लोग यहाँ पे लैग कर जाते हैं, वो उनका डिजाइनिंग अच्छा होता है, उन्हें लगता है कि सिर्फ डिजाइन के बेसिस पे उन्हें जॉब मिलेगा, जॉब मिल जाता है, लेकिन गाइस ग्रोथ और जो हाइक होता है दैट्स डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स द फैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। फाइन, आई होप ये पांच पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब देखो, सैलरी एक सैलरी ही सिर्फ एक ऐसा सोर्स नहीं है जहां से आप अपने इनकम को जनरेट करते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप इस फील्ड में हो तो आपके पास और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। थोड़ा सा हाइलाइट्स मैं इस पे भी डाल देता हूं। देखो, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आप एक यूआई डिजाइनर हो तो आपके पास एक कंप्यूटर होगा, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा, आपके पास स्किल्स होगा इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, आपके पास जो भी वर्क आता है उसको अच्छे से डील करने के लिए। तो ये चीज तो आप खुद के लिए भी कर सकते हो। अगर आप अपना करियर इस फील्ड में डिजाइनिंग इंडस्ट्री में बनाना चाहते हो तो विद इन 2 ईयर आपको इंडस्ट्री में सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा। देन आप प्लान कर सकते हो फ्रीलांसिंग वर्क्स के लिए। फ्रीलांसिंग वर्क क्या होता है, इसको लेके थोड़ा सा पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जब आप इंडिपेंडेंटली कहीं पे किसी पर्सन से, किसी क्लाइंट से अपना वर्क लेते हैं जिसके लिए वो आपको पे करता है। सपोज मुझे एक लोगो डिजाइन करना है, मैंने किसी पर्सन को ढूंढा क्योंकि मुझे नहीं आता है लोगो डिजाइनिंग, मैंने किसी पर्सन को ढूंढा, उसने मेरा लोगो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया और उसके लिए मैंने उसे एक जो है वो अमाउंट पे कर दिया, हमारे बीच में जैसा भी डील हुआ था। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के वर्क्स आपको कई सारे जगह से मिल सकते हैं, इसके सोर्स क्या है। फ्रीलांसिंग के वर्क्स 95% डिजाइनर जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो फ्रीलांसिंग तो करते ही है, है ना, फ्रीलांसिंग करते ही करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा पैसा है और आप सैलरी से ज्यादा पैसा साइड से कमा सकते हो। दैट मींस कि 9 to 6 के जॉब के अलावा अगर आप एफर्ट लगाओगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट फ्रीलांसिंग वर्क्स के थ्रू से पा सकते हो। फ्रीलांसिंग का वर्क कहां से मिलेगा, अगर लोकल मार्केट में या फिर किसी दूसरे पर्सन, किसी क्लाइंट के साथ अगर आपका एक अच्छा रिलेशन, आपका एक अच्छा बॉन्डिंग है, आपका वहां पे थोड़ा सा डील अगर आपने अच्छे से करा है तो गाइस वहां से भी आपको एक्स्ट्रा कुछ वर्क्स जो है वो मिलते हैं। कई बार हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ नए क्लाइंट के साथ हमारा डील होता है, उन्हें कुछ छोटे छोटे वर्क्स करवाने पड़ते हैं और ये सारी कंपनी बड़े वर्क्स असाइन करती है, छोटे वर्क्स तो असाइन करती नहीं। तो वहां पे आपके पास कई बार वो कंपनी के लोग अप्रोच करते हैं कि एक छोटा वर्क है जो आप कर सकते हो जिसके लिए हम आपको पे कर देंगे। या फिर दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है वेबसाइट्स। आज हम आईटी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा फास्ट ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं, द रीजन इज इंटरनेट। फाइन, तो इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। एंड गाइस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो दैट मींस कि अगर आपको रियली में चाहिए कुछ करना है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो कहीं पे भी है। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं लाइक TrueLancer.com, Upwork.com, Freelancer.com, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। वहां पे जाकर के आप सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं एंड रजिस्टर करने के बाद आप ये देख लोगे कि वहां पे कौन कौन से वर्क हैं पहले से, आप अपना प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो आपका मैच कर रहा है वहां पे आप वेट लगा सकते हो। कुछ कंपनीज हैं जो उसके लिए चार्ज करते हैं, कुछ कंपनी है जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है और फ्री सर्विस में भी कुछ जब आपको पेमेंट मिलेगा उसका कुछ परसेंटेज वो लेती है। तो अपना उसका एक प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो जब भी किसी वेबसाइट पे आप वर्क काम असाइन करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग के लिए चीज जरूर जो है वो ट्राई कीजिए।
यहाँ पे पर्सनली एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, कई बार कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 महीने कुछ पढ़ा है और उन्हें लग रहा है कि फ्रीलांसिंग का वर्क कर लेंगे। गाइस देखो, फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकते हो, बट आप एज अ फ्रीलांसर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो वहां पे एक रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे सपोज किसी वेबसाइट पे अगर मैंने वर्क उठाया और मैं अगर अच्छे से वर्क करके दूंगा तो वहां पे मेरा रिव्यू अच्छा होगा, तो फ्यूचर में मेरे पास और अच्छे वर्क्स आएंगे, मेरा ग्रोथ होगा, मुझे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। सो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 1 ईयर आप इंडस्ट्री का नॉलेज ले लो जॉब में जाके, एंड देन आप डिसाइड करो फ्रीलांसिंग वर्क के लिए, बिकॉज आपको इंडस्ट्री का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, आपका वर्क थोड़ा इंप्रूव कर जाएगा, तो आप जो है वो क्लाइंट को एग्जैक्टली वो दे सकते हो जो चीजें उसको चाहिए। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेना एक डिजाइनिंग का पार्ट है, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप अच्छा वर्क करोगे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। तो जितना ज्यादा आप खुद को समय दोगे, अपने वर्क्स को समय दोगे, आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा है। एज अ फ्रीलांसर काम करने के बाद फ्यूचर में आप प्लान कर सकते हो कई सारे लोगों का ग्रुप बना करके, अपने जैसे कुछ कॉलीग है उनका ग्रुप बना के, या फिर खुद की कंपनी का सेटअप डाल के एक स्टार्टअप कर सकते हो, और वहां से स्टार्ट होता है एक नया जर्नी और आप कुछ बहुत ही कमाल का कर सकते हो। जब भी कोई कंपनी का डायरेक्टर है किसी को हायर करता है तो वो हमेशा ये चीज को स्किल्स को चेक करता है, जिसके लिए आपको पहले उस स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। सो गाइज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एज ए यूआई डिजाइनर आप क्या ग्रोथ पा सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपके सामने एक ऑप्शन है, आप 3 ईयर के बाद प्लान कर सकते हो यूआई डिजाइनर बनने के लिए, जहां से आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी थोड़ी ज्यादा, और 7-8 ईयर्स अगर आप यूआई डिजाइनर पे काम कर लियो गाइस तो आपके पास UX डिजाइनर बन सकते हो आप। वो एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप उस इंडस्ट्री को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसे उसके साथ डील कर सकते हो, एंड गाइज वहां पे सैलरी आपकी और ज्यादा बढ़ेगी। तो आप अपनी फ्यूचर को प्रॉपर एक प्लान करो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और आपको क्या चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो सभी जगह है, लेकिन अगर आप खुद पे काम करते हो, खुद पे एफर्ट लगाते हो, चीजों को सीखते हो और नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, अपने आप को और मौका देते हो ग्रोथ करने का, तो आपको लाइफ में हर जगह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अच्छा फ्यूचर भी आपका होगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, कई सारी चीजें हमारे बीच में डिस्कशन हुई और ये चीजें आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी अगर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे कुछ और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। गाइस हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, हमारा एफर्ट्स आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करें एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, सो दैट की अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे नए वीडियोस जो है वो डालता रहता हूँ। जो वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं इन सभी को आप देख सकते हैं, इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके और भी कई सारे वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।